तो आज एक ऐसे प्लेयर के बारे में बात करने वाला हूँ जो कई दिनों से हेडलाइंस बने हुए हैं, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली लास्ट कोलकाता डर्बी में ईस्ट बंगाल को के टीम को एंड उनके फैंस को निराश किया। एंड एज अ सब्स्टिट्यूट उन्होंने आके 3 गोल्स स्कोर किए एंड हैट्रिक मारी यहाँ पे, और इसी के साथ जो है वो 5वें ऐसे प्लेयर बन गए जिन्होंने कोलकाता डर्बी, इंडिया के बिगेस्ट डर्बी में जो है हैट्रिक मारा हो। एंड नन अदर देन कियान नसीरी, एंड ही इज़ द सन ऑफ जमशेद नसीरी, जो कि खुद एक फुटबॉलिंग लेजेंड है, ईस्ट बंगाल के लिए फुटबॉलिंग लेजेंड है वो, उनके बेटे हैं कियान नसीरी, और अपराइजिंग स्टार का टाइटल उनको जो है दे दिया गया है लास्ट डर्बी में। एंड कियान नसीरी की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ 21 ईयर्स के हैं, एंड उसके साथ ही साथ मोहन बगान का सबसे पहले प्रोफेशनल करियर एक तरीके से मोहन बगान में ही स्टार्ट किया था उन्होंने। मोहन बगान के स्काउट्स ने उन्हें 2014 में ढूंढा था एंड उनको जो है तो नर्सरी लीग के लिए जो है मोहन बगान की तरफ से खेलने का मौका दिया था। उसके बाद 2016 में मोहम्मदन एफसी ने उनको जो है चांस दिया, और उसके बाद 2019 में अगेन ही प्लेड फॉर मोहन बगान, एंड यहाँ पे जो है 2019 में उन्होंने डेब्यू किया था ट्राओ एफसी के अगेंस्ट में आई लीग में, एंड उसके बाद जो है एटी के मोहन बगान के जर्सीज में भी उन्होंने डेब्यू एक्चुअली केरला ब्लास्टर्स के अगेंस्ट किया था इन द लास्ट सीजन। बट यहाँ पे शुरुआत जो की है उस वक्त नजर नहीं आए थे, बट यहाँ पे जिस तरीके से लास्ट डर्बी में 29 जनवरी को जो खेला गया था 2022, उसमें जो है जिस तरीके का उन्होंने शुरुआत किया है, दिस इज अ ब्लास्टिंग एंड परफेक्टली डिजर्व टाइटल टू हिम, द अपराइजिंग स्टार, नॉट ओनली फॉर द क्लब बट फॉर द इंडियन फुटबॉल। मेरे को जरूर कमेंट डाउन करके मुझे बताइए कि आप जो है क्या लग रहा है आपको कि कियान नसीरी कितना आगे तक जाएगा और इंडियन फुटबॉल के अंदर में कितना अच्छे से फिट होगा। और इसी तरह के इंडियन फुटबॉल के वीडियो से जुड़े रहने के लिए और आप लोग जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरीके से। बाय बाय, टेक केयर, बी ब्लीड डू।